वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेडिसिन का डोज में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नई और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसे कि ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो हमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों में देखे जाते हैं, जैसे कि एक्नी के प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एक्नी का जो प्रॉब्लम है ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों में देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लेडीज़ में देखे जाते हैं। तो एक्नी का एक बहुत अचूक इलाज मैं आपके लिए आज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेंजोइल पीरोक्साइड जेल 2.5% ट्यूब के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत से जैसे मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि आप जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें, कोई भी मेडिसिन यूज़ करें तो आप डॉक्टर को ज़रूर पूछ लिए। तो यहाँ भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर पूछ लेना कोई भी ट्यूब, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आज हम बेंजोइल के बारे में बात करेंगे। तो ये एक एक्नी ट्रीटमेंट है जो आपके चेहरे पर जो बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, इसका एक अचूक इलाज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और रेगुलरली, मतलब जब तक आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते, रेगुलरली रात में यूज़ करेंगे, तो मैं आपको 200% इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि इससे आपके पिंपल्स ज़रूर और ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप लगा सकते हैं रात में सोने से पहले, क्योंकि रात में जो होता है हमारी बॉडी जो रिकवर हो जाती है रात में, तो इसका बहुत बेनिफिट रात में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। सोने से पहले बस इसको आपको इस्तेमाल करना है। इसे जहाँ पर भी आपके पिंपल्स है, अगर आपके पिंपल्स एक जैसे एक लाइन में और एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक ही जगह पर इसे सर्कुलेशन मोशंस में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप इसको लगा सकते हैं पूरे में, जहाँ पर भी आपको पिंपल्स है। और अगर आपके पिंपल्स थोड़े से ज़्यादा दूर दूर है तो आप इसको दूर दूर डॉटेड में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका वैसे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा है मैंने कभी भी, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप क्या करें कि एक बार इसे अपने गर्दन के साइड में, नीचे कान के नीचे एक बार इसे हल्का सा लगा कर देखिएगा। एक दिन जब आप इसे यूज करने वाले हो तो इसके पहले दिन आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए कि इससे कहीं आपकी स्किन में कोई जलन, कोई रैश तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप इसे मत लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं है, इसे 99% लोगों में नहीं होता है ऐसा कुछ भी, तो अगर नहीं होता है आपको, तो आप इसे बेझिझक लगाइए। और लगाने से आप इसको रात भर रख सकते हैं, या फिर इसका असर 2 घंटे में भी दिखता है। तो ये बेंजोइल पीरोक्साइड जो है ये 2 घंटे में भी अच्छा सा असर कर देता है हमारे पिंपल्स, एक्ने जो भी है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिएगा कि इसे 2 घंटा पहले या तो फिर आप 2 घंटे के बाद इसे धो सकते हैं, या फिर आप ओवरनाइट रख सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसे ओवरनाइट रख रहे हो तो क्या होता है कि थोड़ा सा हमारी स्किन जो है वो ड्राई फील करती है। अब ये सभी लोगों में हो सकता है। अगर आप पहले भी जैसे भी आपकी स्किन अगर ड्राई है, ऑयली है, फिर भी अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होगी। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे कंटिन्यू करना है। आपके एक्नी पिंपल 7 डेज के अंदर पूरे के पूरे रिकवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और ये जो ये ट्यूब अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अलग अलग नामों में भी आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएंगी। जैसे क्लियर जेल है, अभी ये मैंने पेरसोल एसी 2.5 जेल लिया है, तो इसमें बहुत से नामों में आपको ये मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, और यूज़ करने के बाद आप ज़रूर इसके इफ़ेक्ट जो भी हो आप मुझे बताइएगा। अब इसे यूज़ करने का ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहलिक है तो यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सटर्नल यूज़ क्रीम है, इसे इंटरनल यूज़ नहीं करना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इसे सेफली कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे दिन में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं इसे लगाकर, तो रिएक्शन 100% होगा, बहुत से लोगों को होता है। और अगर आप सनलाइट में इसे यूज़ करेंगे तो आपको भी इसका रिएक्शन होगा, रैशेस होंगे। इसीलिए मैं इसे ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रात में ही लगाइए। अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो आप अगर घर में दिन भर रहते हैं, कोई भी लेडीज़ है, आप अगर घर में रहते हैं, आप अगर बाहर का काम नहीं करते, बस घर में ही आप दिन भर रहते हैं, तो आप इसे दिन में लगा सकते हैं। और दिन में अगर आप लगाए भी तो 2 घंटे के बाद आप इसे धो लीजिएगा। और अगर आप रात में लगा रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि इससे 200% आपकी एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको तभी तक इसे यूज़ करना है जब तक आपकी एक्नी है। जैसे ही आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल अलग दूसरे स्किन की तरह प्लेन हो जाएगा, तो आप इसे बंद कर दीजिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा देर लगा कर ही रखेंगे, अगर एक्नी नहीं है फिर भी अगर आप लगाएंगे, तो इसका एक और
मैं आपको इसका साइड इफेक्ट ये बता दूं कि आपके जो चेहरे पर स्किन पर जो आपके छोटे छोटे से ये जो बाल होते हैं हमारे स्किन पर रेगुलरली, वो बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसे रेगुलरली बहुत ज़्यादा 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 यूज़ करेंगे तभी ऐसा होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कभी। अगर आपके एक्ने ठीक हो जाते हैं तो आप इसे प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए, आप इसे रेगुलर ना रखें। तो फ्रेंड्स यही है इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट जो भी मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये बहुत सर्च करके बताती हूँ। और सबसे इफेक्टली ये मैं बता दूँ कि मैं खुद मेडिकल चलाती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बताती हूँ। सो फ्रेंड्स थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।